गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड लेट्स स्टडी टुडे क्लास ट्वेल्थ टेक्स्ट बुक लेसन इंडिगो रिटन बाय लुईस फिशर प्रेजेंटेड बाय एस के जैन पीजीटी इंग्लिश जैन वी कटनी एमपी। सो दिस स्टोरी इज अबाउट चंपारण बिहार 1917। यू कैन सी द मैप ऑफ चंपारण हियर। Now this story begins with a prominent character, Rajkumar Shukla. Rajkumar Shukla was a poor peasant of Champaran, and he was also exploited under 3/20 agreement or 15% agreement of the British landlords. We shall understand what is this 15% agreement and what was the condition. So Rajkumar Shukla wished to take Gandhi to Champaran to remove the problem of sharecroppers. Here you can see the picture of Rajkumar Shukla. Rajkumar Shukla Champaran ke ek garib kisan the aur wah aur unke jaise anya bahut se aise kisan angrezon dwara laye gaye 15% agreement se परेशान थे, पीड़ित थे। इसलिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण ले जाना चाहते थे जिससे कि वह गरीब किसानों की समस्या का समाधान कर सकें। नाउ लेट्स रीड मोर अबाउट राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला केम टू मीट गांधी एट लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1916। ही विश्ड टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण and someone suggested him to speak to Gandhi. Rajkumar Shukla was a poor sharecropper, poor peasant of Champaran. He was illiterate but resolute. Gandhi was busy. He had several appointments. He had to go to Kanpur, Ahmedabad and Calcutta. But Shukla followed Gandhi everywhere and ultimately Gandhi fixed a date to go to Champaran. So Rajkumar Shukla Gandhi ji se कांग्रेस के लखनऊ सेशन में मिलने आए थे 1916 में, और राजकुमार शुक्ला का उद्देश्य था कि चंपारण के इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की समस्या का निदान करना, और किसी ने उनको सुझाव दिया कि आपको गांधी से मिलना चाहिए। राजकुमार शुक्ला चंपारण के एक गरीब किसान थे, शेयर क्रॉपर थे। यद्यपि वह इलिटरेट यानी कि अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, बट रेजोल्यूट यानी दृढ़ निश्चयी थे। गांधी जी उस समय बिजी थे, उनके बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स थे, जैसे कि उनको कानपुर, अहमदाबाद और कलकत्ता में जाना था। लेकिन राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का पीछा किया, माने गांधी जी जहाँ जहाँ गए राजकुमार शुक्ला वहीं पहुँच गए। और अल्टीमेटली जब उन्होंने कहा गांधी जी से कि आपको एक डेट फिक्स कर देना चाहिए, तो जो गांधी जी ने कहा कि मैं कांग्रेस सेशन में कलकत्ता में इस डेट को रहूँगा, आप वहीं पहुँच जाना, तब हम लोग वहाँ से चंपारण चलेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। फ्रॉम कलकत्ता टू पटना, पटना टू मुजफ्फरपुर। तो गांधी जी कलकत्ता में एक अपॉइंटेड स्पॉट पे राजकुमार शुक्ला से मिले, और फिर दोनों एक ट्रेन पर सवार होके पटना पहुँचे। पटना में राजेंद्र प्रसाद जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, भारत के प्रेसिडेंट बने, उनके घर गए, और उसके बाद पटना से मुजफ्फरपुर गए। मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर जे बी कृपलानी और मिस्टर मलकानी से मिले। सो व्हाट हैपन्स इन पटना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वेंट्स इन पटना। राजकुमार शुक्ला लेड गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। द सर्वेंट्स लेट देम स्टे ऑन द ग्राउंड थिंकिंग देम टू बी पीजेंट। दे डिड नॉट अलाउ गांधी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पल्यूट द एंटायर सोर्स। दे डिड नॉट नो दैट गांधी वाज नॉट एन अनटचेबल। राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स ने गांधी के साथ कैसा व्यवहार किया,
कि पटना में राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। राजेंद्र प्रसाद उस समय अपने घर में नहीं थे, वो आउट ऑफ टाउन थे। तो राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स ने सोचा कि राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट है, पुअर पीजेंट है, इसी उनके साथ आए हुए गांधी जी वो भी पुअर पीजेंट्स ही होंगे, इसलिए उनको ज़मीन पर ही बैठने दिया और उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी नहीं निकालने दिया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद गांधी अनटचेबल हैं और यदि गांधी जी कुएं से पानी निकालेंगे, जिस बकेट से पानी निकालेंगे उस बकेट से कुछ बूंदें पानी की यदि वापस कुएं में गिर जाएंगी तो पूरे कुएं का पानी अपवित्र हो जाएगा। इसलिए गांधी जी को कुएं से पानी नहीं निकालने दिया। उनको कैसे पता कि गांधी जी तो अनटचेबल नहीं थे। सो यू कैन अंडरस्टैंड बाई दिस सिंपल फ्लो चार्ट, राजेंद्र प्रसाद सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट्स एंड अनटचेबल। दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, दे डिडेंट अलाउ हिम टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इन मुजफ्फरपुर। दिस इज द पिक्चर ऑफ आचार्य कृपलानी, जे बी कृपलानी। इन मुजफ्फरपुर गांधी वॉज वेलकम्ड एट द रेलवे स्टेशन एट मिड नाइट बाई प्रोफेसर जे बी कृपलानी। ही स्टेड एट द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी। इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग एज द गवर्नमेंट सर्वेंट्स डिडेंट गिव शेल्टर टू एनी सपोर्टर ऑफ होम रूल दोज डेज। एज द न्यूज ऑफ गांधीज अराइवल स्प्रेड, मैनी पीजेंट्स स्टार्टेड कमिंग ऑन फुट और बाई कन्वेयंस टू सी हिम। तो पटना से जब वो मुजफ्फरपुर पहुँचे तो मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करने के लिए आधी रात को जे बी कृपलानी जी उपस्थित थे। वह अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर आए थे और गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर में रुके। यह एक असामान्य बात थी क्योंकि प्रोफेसर मलकानी शासकीय कॉलेज में अध्यापक थे, तो किसी भी शासकीय कर्मचारी के द्वारा होम रूल के सपोर्टर को अपने घर में रखना, शेल्टर शरण देना, एक असामान्य बात थी उन दिनों। और उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी के चंपारण ज़िले में आने की खबर सभी पीजेंट्स तक पहुंची, तो सभी पीजेंट्स पैदल चल के या कन्वेयंस यानी किसी वाहन से गांधी जी से मिलने आने लगे, गांधी जी को देखने आने लगे। द मैनी पीजेंट्स स्टार्टेड कमिंग ऑन फुट और बाई कन्वेयंस टू सी गांधी, टू सी दियर चैम्पियन। नाउ गांधी चाइडेड द लॉयर्स। मुजफ्फरपुर लॉयर्स केम टू मीट गांधी। दे टोल्ड अबाउट देयर कोर्ट केसेस एंड द साइज ऑफ द फीस दे टुक फ्रॉम द पीजेंट्स। दे टोल्ड अबाउट देयर कोर्ट केसेस एंड द साइज ऑफ द फीस दे टुक फ्रॉम द पीजेंट्स। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर टेकिंग ह्यूज फीस फ्रॉम पीजेंट्स। ही सेड दैट टेकिंग केसेस टू कोर्ट इज यूजलेस अंटिल द फार्मर्स आर अफ्रेड एंड क्रस्ड। द रियल रिलीफ फॉर द पीजेंट्स इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। तो मुजफ्फरपुर के जो वकील थे गांधी जी से मिलने आए, उन्होंने अपने कोर्ट केसेस की बारे में बताया कि किस प्रकार के कोर्ट केसेस उनको मिलते हैं, और ये भी बताया कि वो किसानों से कितनी फीस वसूल करते हैं। गांधी जी ने उनसे कहा कि इस प्रकार से फीस वसूलना ठीक नहीं है और किसानों के लिए ये ज़रूरी है कि उनका डर दूर हो, और कोर्ट में उनके केस को ले जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। नाउ दिस इज़ द एंशियंट एग्रीमेंट इन चंपारण। चंपारण का जो लैंड यानी ज़मीन थी वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड की थी, उस पर इंडियन पीजेंट्स काम करते थे और 15% भूमि पर किसानों को इंडिगो उगाना अनिवार्य था, और उसके बाद इंडिगो का पूरा हार्वेस्ट, पूरी उपज को लगान के रूप में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को सौंपना पड़ता था। यहाँ तक हमने पहला पार्ट देखा। अब अगले पार्ट में हम लोग फिर मिलेंगे। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। टिल देन बाय बाय।